हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ज्ञान का चिराग। 2 अरब से भी ज्यादा मंथली यूजर डेटाबेस के साथ व्हाट्सएप दुनिया का सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बना हुआ है। इसके वजह से पर्सनली या प्रोफेशनली जीवन में इसकी उपयोगिता काफी बढ़ चुकी है। इसकी इतनी लोकप्रियता के बावजूद भी इसके कुछ की फीचर्स में कमी है। जब हमें पर्सनल या प्रोफेशनल किसी भी व्यक्ति को मैसेज करना हो तो उसके लिए जरूरी होता है कि सामने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर हम अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड करें। परंतु किसी व्यक्ति को एक टाइम मैसेज करने के लिए उसके नंबर को हम कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड क्यों करें? तो क्या है इसका उपाय, क्या इसका कोई तरीका है? जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति को उसका मोबाइल नंबर अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में, अपने फोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में बिना सेव किए किस तरीके से मैसेज कर सकते हैं। इसके कई तरीके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरीके के जानकारी भरा वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसके लिए प्ले स्टोर में थर्ड पार्टी कुछ एप्लीकेशन मौजूद है जिसका इस्तेमाल करके आप व्हाट्सएप में किसी भी व्यक्ति को उसका नंबर सेव किए बगैर मैसेज कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप डायरेक्ट और क्लिक टू चैट। सिंपली आप इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन करेंगे। जिसे भी मैसेज करना है, मैसेज करने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर आप यहां पे एंटर करेंगे, फॉलोइंग विथ कंट्री कोड, जैसे इंडिया का है +91, और आप ओके करें। ये डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप के एप्लीकेशन को ओपन करेगा और आप इस व्यक्ति को मैसेज कर पाएंगे। व्हाट्सएप के वो सारे फीचर आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे जो नॉर्मली आप कॉन्टैक्ट लिस्ट सेव करने के बात करते हैं। लेकिन रुकिए, किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का उपयोग करना आपके डेटा और प्राइवेसी के लिए खतरा हो सकता है। तो क्या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के यूज किए बगैर इसका कोई और तरीका है? जी हाँ, इसके लिए सिंपली आप अपने मोबाइल का एक ब्राउजर को ओपन करें जिसमें आप इंटरनेट यूज करते हैं, लाइक गूगल क्रोम। इसे ओपन करने के बाद इसके एड्रेस बार में आप टाइप करें http://wa.me/91, जो कि कंट्री कोड है। अगर आप दूसरे किसी कंट्री में हैं तो वहां का कंट्री कोड आप यूज कर सकते हैं, और 10 अंकों का मोबाइल नंबर। बस आप गो पे क्लिक करें। यहां पे आपको नोटिफिकेशन आएगा व्हाट्सएप ओपन करने का। जस्ट आप इसे क्लिक करें, व्हाट्सएप ओपन होगा और यहां से भी आप सिंपली मैसेज कर पाएंगे बिना थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज किए। एक और तरीका है जिसमें आपको टाइप करना पड़ेगा http://api.whatsapp.com/send?phone=country code (914 India) और 10 डिजिट का मोबाइल नंबर। इसके बाद आप गो पे क्लिक करें। यहाँ अगेन आपका व्हाट्सएप ओपन करने का नोटिफिकेशन आएगा। जस्ट आप इस पर क्लिक करें, आपका व्हाट्सएप ओपन होगा और इस तरीके से आप बिना किसी थर्ड पार्टी का एप्लीकेशन यूज किए, बिना किसी नंबर को आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव किए, आप किसी भी मोबाइल नंबर पे जो व्हाट्सएप पे मौजूद है उसे आप मैसेज कर सकते हैं। ये बहुत ही उपयोगी होगा उन व्यक्तियों के लिए जिसे अक्सर कोई डिटेल शेयर करना पड़ता है, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका कॉन्टैक्ट लिस्ट में बाद में किसी भी तरीके से जरूरी नहीं होता है। तो अभी इसे ट्राई करें और आपको कौन सा तरीका सबसे ज्यादा पसंद आया कृपया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।